सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अब नए दाम तय कर दिए गए हैं। 5.91 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। एक महीने में कीमत में ये लगातार दूसरी कटौती है। देश की सबसे बड़ी कंपनी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि 14.2 किलो की सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत आधी रात के बाद से कम हो गई है और जो कि 495 रुपये हो गई है। फिलहाल इसकी लागत 500.90 रुपये प्रति सिलेंडर है, मतलब 500 रुपये का दाम बताया जा रहा है। इसी महीने ये लगातार दूसरा मौका है जब एलपीजी के भाव कम हुए हैं। इससे पहले 1 दिसंबर को नई कीमतें आई थी, तब सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतें 6.52 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी। गौरतलब है कि जून से लगातार 6 महीने तक दाम बढ़े थे। अब IOC ने कहा है कि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 120.50 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत कम होने तथा अमेरिकी डॉलर रुपया विनिमय दर की मजबूती के चलते विपणन कंपनियां इस ईंधन में कमी की गुंजाइश बनी हुई है। इस कटौती के बाद 14.12 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी कम हो जाएगी। इससे पहले 1 दिसंबर को बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 133 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई थी।